प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की अपील की है। इस अपील के बाद बागेश्वर में व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दिया है। नगरपालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाना शुरू कर दिया है। नगरपालिका ने महिलाओं की 34 टीम बनाई है जो कि घर घर से कूड़ा एकत्रित करती हैं। पालिका नगर में गाड़ी से भी कचरा निस्तारण का काम कर रही है। यह वाहन प्लास्टिक, प्लास्टिक के पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, रबर, पुराने जूते चप्पल उठा रहा है और जैविक कूड़े को कॉम्पैक्ट मशीन के द्वारा प्लास्टिक के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। मैं नगर पालिका द्वारा जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र बृहद नगर पालिका क्षेत्र हुआ है, तो हमने घर घर से कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पर हमारी महिलाएं काम कर रही हैं और वो जो कूड़ा हमारा लाती हैं, जो प्लास्टिक वगैरह लाती हैं, उसको अलग अलग करके हुए लाती हैं और उस प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हैं, उसको हम अलग से कंपोज करते हैं और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और हमने हमारे द्वारा, नगर पालिका द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर दुकानों में छापेमारी की जा रही है और जिसमें कि कहीं पर भी अगर ये मिल रहा है तो उनको उनको जो है पनिशमेंट जो है 500 रुपया पर पन्नी के हिसाब से पड़ रहा है। और अभी तक जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी व्यापारी हैं उनके द्वारा भी पूर्ण रूप से प्लास्टिक में जो है उन्होंने रोक लगा दी है। नगर में स्वच्छता कमेटी की कोऑर्डिनेटर प्रेमा देवी बताती हैं कि वो जनता को प्लास्टिक के साथ ही कूड़े के निस्तारण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर नगर पवित्र सरयू और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और नदियों को साफ रखना हमारी प्राथमिकता है। बागेश्वर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना था प्लास्टिक का, तो उसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम घर घर जाके भी लोगों को बता रहे हैं कि सिंगल यूज का प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अब व्यापारी भी लामबंद होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को व्यापारी वर्ग धरती और पर्यावरण के लिए अच्छा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक मुहिम चलाई है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ये एक सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला है और इसके तहत सब लोगों को जागरूक होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, हम पर डे कूड़ादान के हमारे पास कूड़ादान है, हमारे पास पर डे शाम को गाड़ी आती है, हम अपना कचरा प्लास्टिक है जो शाम को उसमें डालते हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों द्वारा ले जाया जाता है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने से नगर पालिका की आय हो रही है तो नगर में स्वच्छता भी बढ़ रही है। 11 तारीख से लेकर के और आप कह सकते हैं ये 2 अक्टूबर तक 1135 किलो हमने प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक एकत्रित कराया था और यहाँ तक कि इसमें पब्लिक कितना ज़्यादा बढ़िया हमारा सहयोग कर रही है, नगर के लोग कितना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं कि उन लोगों ने खुद भी नालियों तक के या ऐसे स्थानों पर जहाँ प्लास्टिक पड़ा हो सब उन्होंने एकत्रित कर करके हमें दिया है। अभी तक नगर पालिका को अगर कहा जाए तो इस लगभग 60,000 रुपये का नगर पालिका को फायदा हुआ है प्लास्टिक से।